बताएं सर, आप कुछ अच्छे सरप्राइज भी देने वाले हैं, ऐसा स्टॉक जो हम पहले भूल चुके थे अब वापस रेडार पर आ गया, बताएं। बिल्कुल बिल्कुल दीप, एक सरप्राइज आपको, हमारे दर्शकों को, और एक सरप्राइज सेठी साहब को भी देना है। तो पहले तो ओला इलेक्ट्रिक के जो हाल ही की लिस्टेड कंपनी, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है और 76 रुपये की इशू प्राइस थी। हालांकि इशू के बाद, लिस्टिंग के बाद से स्टॉक ने अच्छी दौड़ लगाई है, अब 110 के आसपास आ चुका है। लेकिन हमें लगता है यहाँ से भी स्टॉक में अच्छा एक्शन बन सकता है। 113, 117 और 120 के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए रखें। लेकिन मुझे लगता है कि ओला इलेक्ट्रिक एक ऐसी कंपनी है जिसे आप खरीद कर पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अगर आप 1 से 2 साल का व्यू रखें तो ये स्टॉक कुछ बड़े कमाल कर सकता है। आपको याद होगा आईपीओ के वक्त हमने इस पर ये कहा था कि एक लिस्टिंग के बाद हम देखेंगे, एक बार जब हमें समझ में आ जाए कि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में कब आएगी, उसके बाद हम उस पर व्यू देंगे। हमने लिस्टिंग पर मैनेजमेंट से बात भी की थी, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि वो कब तक प्रॉफिट में आ सकते। तब तक हमने अपनी ओपिनियन न्यूट्रल रखी थी। अब इस रिजल्ट के बाद जो उन्होंने कॉन कॉल की है, करीबन करीबन 2.5-3 घंटे की कॉन कॉल थी एनालिस्ट के साथ, और उसमें उन्होंने क्लियर कट आगे का पाथ दिया कि किस तरह से कंपनी प्रॉफिट में आएगी। और दो तीन चीज़ें और जो कही हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली चीज़ तो ये कि इस क्वार्टर में कंपनी ने वैसे भी हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, क्वार्टरली रेवेन्यू दर्ज किया है। मार्केट शेयर अपना स्कूटर सेगमेंट में 35% से बढ़ाकर 49% के आसपास वो लेके आ गए हैं। नए प्रोडक्ट लॉन्च, जिसमें 3 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च करने की बात की है, 3 व्हीलर वगैरह सेगमेंट में भी बहुत स्ट्रांगली उनकी ग्रोथ आती हुई दिख रही है। और साथ ही एक जो बड़ा और उन्होंने डेवलपमेंट कहा है कि वो लिथियम सेल बैटरीज खुद ही बनाकर अपनी गाड़ी में लगाने का प्लान कर रहे हैं, जो वित्त वर्ष 2026 के पहले क्वार्टर से शायद वो शुरू कर देंगे। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट, कुछ बड़े लॉन्चेस, बड़े डेवलपमेंट और मैनेजमेंट का प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर स्ट्रॉन्ग आउटलुक। यह हम इसलिए हम अपना स्टैंड पूरी तरह से अब ओला पर चेंज करके पॉजिटिव कर रहे हैं। और मुझे लगता है दीप, कोई बड़ी बात नहीं कि 2 साल में स्टॉक यहाँ से दुगुना होता हुआ दिखे, तो आपको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। इसे इन्वेस्टमेंट के लिए एंगल से भी आप सोच सकते हैं रखने का, और आज नतीजे के बाद ट्रेडिंग के लिहाज से भी तो लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है। 100 रुपये का स्टॉक है, इसलिए मैंने कहा ना अफोर्डेबल स्टॉक है, आप आराम से डिलीवरी लेकर रख सकते हैं। तो ये स्टॉक कमाल कर सकता है। ऑलराइट, तो ओला इलेक्ट्रिक यहाँ पर रखिए नजर, 113, 117 और 120 के लेवल्स के लिए। और भी स्टॉक्स हैं जी? दो स्टॉक और हैं, और दोनों ही स्टॉक डिफेंस स्पेस से। पहला है एचएल, जिसमें मैंने कहा कि सेठ साहब को प्रसन्न करने के लिए मेरे पास एक स्टॉक है। 4630 का स्टॉप लॉस होगा, 4740, 4775 और 4800 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। नतीजे आए थे परसों, नंबर्स अच्छे थे, लेकिन स्टॉक में ज़्यादा एक्शन परसों नहीं, शायद बुधवार मंगलवार को थे, लेकिन नंबर्स के बावजूद स्टॉक ज़्यादा चला नहीं। मुझे लगता है कि स्टॉक में नंबर्स के बाद अच्छी तेजी बननी चाहिए, डिफेंस स्टॉक वापस से रिकवरी के लिए तैयार है, और खासतौर से वो पीएसयू स्टॉक जहाँ पर करेक्शन अच्छा खासा हुआ है वहीं से रिकवरी भी आएगी, तो इसमें ये फिट होता है। जेफरीज का भी टारगेट 5725 का आया, मजबूत टारगेट है, मुझे लगता है ये कमाल करने को तैयार है। एक और डिफेंस स्टॉक मुझे पसंद है, वो BEL फ्यूचर्स, यहाँ पर भी नंबर्स अच्छे आए थे। 289 आपका स्टॉप लॉस का लेवल होगा, 304 और 309 के बड़े टारगेट के लिए यहाँ पर भी खरीदारी कर सकते हैं। डिफेंस स्टॉक्स में जो एक रिकवरी के आसार बने, इनफैक्ट मेटल्स की हमने बात की, हमने हिंडाल्को दिया था दीप, नाइल को भी बहुत अच्छा लग रहा है, जो बैन में नहीं, मेरे को पता नहीं था लेकिन बैन में है कि नहीं, लेकिन बैन में नहीं है, मैंने चेक किया। तो कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छे एक्शन के लिए तैयार होते दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, पूरा बाजार ही बढ़िया एक्शन के लिए तैयार हो रहा है।